भोपाल पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों की जिला करनाल के करीब 200 मुकदमों में संलिप्तता पाई गई है। आरोपियों द्वारा करीब 360 ट्रांसफार्मर चोरी करने का खुलासा किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य मुकदमों में भी आरोपियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिन के समय में ट्रांसफार्मरों की लोकेशन देखते थे, रात के समय उन ट्रांसफार्मरों को औजारों से खोलकर या काटकर उनमें से तांबा चोरी कर लेते थे। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि एक रात में करीब 4 से 5 ट्रांसफार्मर को वह निशाना बनाते थे। सभी आरोपियों से 5 गाड़ी मारुति को ट्रांसफार्मर खोलने वाले औजारों की 3 किट, 60 किलो क्वाइल तांबा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए डिटेक्टिव स्टाफ करनाल निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान आरोपी मोहम्मद हनीफ निवासी गांव तिलहर, खलील खान निवासी न्यू सलीमपुर दिल्ली व पप्पन निवासी गांव बन्ना थाना हिजोली को गांव घोगड़ीपुर करनाल के एरिया से तीनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के रिमांड के दौरान गिरोह के महेंद्र निवासी प्रताप नगर दिल्ली व सुरेंद्र निवासी गाजियाबाद के नाम सामने आए। रिमांड के दौरान आरोपियों के कब्जे से दिल्ली नंबर की 2 गाड़ी मारुति को ट्रांसफार्मर खोलने वाले औजार की 1 किट, 30 किलो क्वाइल तांबा बरामद हुआ। यहां आपको बता दें कि सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दूसरे गिरोह के आरोपी बंटी निवासी गांव गुलावटी, जोनी निवासी गांव इतोली मेरठ रोड, मुन्ना निवासी झामपुरवा को बलरी बाईपास करनाल से व आरोपी फरमान अली निवासी गांव खानपुर को घेबड़ा मोड़ दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियां मारुति को ट्रांसफार्मर खोलने वाले औजार की 1 किट, 18 किलो क्वाइल तांबा बरामद किया गया है। वहीं उपनिरीक्षक नारायण सिंह की अध्यक्षता में टीम ने तीसरे गिरोह के आरोपी पवन कुमार निवासी गांव अलेवा, सुरेंद्र कुमार निवासी गांव बड़सालू को गांव बड़सालू बस अड्डे व आरोपी मुकीम अंसारी निवासी गांव हचानी को काबू किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 गाड़ी को ट्रांसफार्मर खोलने वाले औजार की 1 किट, 12 किलो क्वाइल तांबा बरामद किया गया। वहीं पुलिस द्वारा तीनों गिरोह के फरार अन्य आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने जिन एरियो में ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी थे ऐसे नाकाबंदी करके जैसे ही वहां लगाई तो हमें 12 तारीख को एक गाड़ी और उसमें कुछ मेंबर ये चोर जो मिले हैं जिन्हें जैसे ही हमने हिरासत में लिया उसके बाद उनको 8 दिन के रिमांड पे लिया और रिमांड पर लेने के बाद उन्होंने एक बड़े खुलासे किए जिनमें हमें करीब 3 गैंग बड़े गैंग हैं जो एक बड़ा गिरोह था और ये 3 गैंग 5-5, 6-6 मेंबर हैं उनमें और ये रोज रात को तकरीबन 1 से 2 दिन छोड़कर डेली रात को आते हैं और ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं और रोज की 3 से 4 ट्रांसफार्मर चोरी एक रात को करते हैं और ये दिल्ली उसके बाद बेचते हैं जो लगातार उनके बाद जैसे उन्होंने बाकी मेंबरों के बारे में बताया हमने अपने नाकाबंदी करके और तकरीबन जो 12 चोर हैं उनको हमने हिरासत में लिया है, अभी अरेस्ट किया है। इसमें सर एक शख्स ऐसा भी है जिसके दोनों हाथ कट गए थे? हाँ बिल्कुल, ऐसे एक शख्स ऐसा भी है जिसके दोनों हाथ कट गए थे। वो आज से 1 साल पहले यही चोरी की वारदात कर रहा था ट्रांसफार्मर की रंबा गांव के पास, जैसे चोरी करते रहा तो उसमें करंट आने के कारण उसके हाथों को करंट लग गया और वो गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। बट वो हाथ कटने के बावजूद भी उसने ये चोरी की वारदात नहीं छोड़ी, उसने अपनी गाड़ी रखी है, गाड़ी में आता था अपना ड्राइवर रखा था और इन्हें ये जगह और ये ट्रांसफार्मर आइडेंटिफाई करके देता था और फिर ये गैंग मिलकर ये चोरी करते थे जो करीब अभी तक हमारी पूछताछ में इन्होंने 200 के करीब जो मामले अभी मान्य है जो FIR दर्ज है हमारे और करीब 360 के करीब ट्रांसफार्मर्स है, अभी इनका और रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी आसपास के एरियो में काफी डिस्ट्रिक्ट में। जिन्होंने खरीद की थी इन ट्रांसफार्मरों की उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? जिन्होंने खरीद की थी इन ट्रांसफार्मर? बिल्कुल, जिन्होंने खरीद किया था उनमें से 2 आदमी हमने हिरासत में लिए जो कि ये दिल्ली बेचते थे कबाड़ी, उनको भी आज रात हमने अरेस्ट किया दिल्ली से, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका भी रिमांड लिया जाएगा और ये सारे सामान की बरामदगी की जाएगी उनके खिलाफ। बिल्कुल, गाड़ियां इनकी खुद की है, ये सभी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इको गाड़ी है, 5 गाड़ी है और ये इन्हीं की गाड़ियां हैं, ये इनको इसी काम के लिए यूज करते हैं, दिन में आकर ये रेकी करते थे और रात को ये अपना इस वारदात को अंजाम देते थे। कहां से चुराते थे ये ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर खेतों में जैसे नगलगांव की तरफ हुए इधर मधुबन गोरोंडा इंद्री थाना सदर निगदू बुटाना और ये इंद्री ये सभी थानों में निसिंग ऑल्सो सभी थानों में जितनी वारदातें हैं ये इन्हीं द्वारा की गई है और ये रात को जैसे चोरी करके मोड ऑफ सरप्रेंडी ये अपना गाड़ी को वहाँ से भेज देते थे अपना सामान उतार कर
रात ये चोरी करते थे, चोरी करने के बाद गाड़ी इतना होटल पर या ढाबे पर खड़ी हो जाती थी, फिर इसको रिंग करते थे, जैसे वो गाड़ी वहां आती थी वहां ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए घास की लाइन लगाते थे रात को रोड के बीच में, जो गाड़ी बाकी जो प्राइवेट गाड़ी वो निकल जाती थी, जो इनकी गाड़ी थी वो घास की लाइन देकर रुक जाती थी, वहां रुकती थी सामान लादकर सीधा दिल्ली जाती थी। सर, इस लॉकडाउन के दौरान ज्यादा वारदातें हो रही थी पिछले काफी समय से करनाल में? हाँ बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले भी अब करीबन ये एक डेढ़ साल से लगातार ही चल रहे हैं, इन्होंने ऐसी बहुत वारदातें की है। देखो लोगों को आना जाना बाहर कम है, जिम्मेदार किसान जब टाइम होता है खेती का बाहर होता है, रात को नहीं होता, पर रात को यही ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करते थे और ये ऐसे कार्य करते थे। इन्होंने ये एक ट्रांसफार्मर में से करीब 30 से लेकर 45 किलो तक जो ये तांबा निकालते थे और करीब 350 पर केजी इनका वहाँ दिल्ली बिकता था और रोज की ये चार वारदातें करते थे। 45 ये यूपी मेरठ के, दिल्ली के, गाजियाबाद और कुछ लोकल भी। आईडी नीचे रख लो। तीन गैंग पकड़े गए हैं टोटल, जिसमें 12 व्यक्ति हैं और ये तीनों गैंग अगर मैं बात करूं तो यूपी और गाजियाबाद दिल्ली, एक लोकल गैंग भी है जहां से इनका एसोसिएशन है। और इनमें सचो इंस्पेक्टर साहब ने बता दिया होगा पहले ही, एक गैंग में 5 व्यक्ति हैं, एक में 4 और एक में 3। जब रिकवरी की बात करूँ मैं तो इन्होंने 200 के करीब वारदातों में इन्वॉल्व होने का अपना खुलासा किया है और उसमें 5 गाड़ियां इनसे रिकवर है। लगभग 60 केजी के करीब जो कॉपर वायर होती है जिसका मेन ये थेफ्ट करते हैं और 3 टूल किट हैं, ये इन्होंने इनसे बरामद हुई है। और अभी ये 8-8 दिन के रिमांड पे हैं, कुछ का रिमांड अब भी कल ख़त्म हो रही है, कुछ 23 तारीख तक रिमांड पे हैं। बाकी इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनका खुलासा किया जाना भी बताया है। प्लस अगर डिस्ट्रिक्ट करनाल की बात करूं तो 3 थाने छोड़ के लगभग सभी थाने का जो रूरल एरिया है उनमें इनकी वारदातें सामने आई हैं और 200 के करीब तो इन्होंने डिस्क्लोज कर दी है। बाकी ड्यूरिंग रिमांड भी और वारदातें, प्लस जो इंटर स्टेट जो क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये पानीपत हो गया या कुरुक्षेत्र हो गया, आसपास का यूपी का एरिया हो गया, वहाँ पर इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रही है उस बारे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लस जहाँ से ये बेचते थे जिन लोगों को, उनमें से भी 2 स्क्रैप के जो डीलर्स हैं, कबाड़ी जिनको बोलते हैं, उनको भी हमने नैप किया है और बड़ा मतलब संगठित ग्रोह है जो हमने क्रैक किया है। किसान और जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे थे इसमें, तो नार्कोटिक्स सॉरी डिटेक्टिव स्टाफ ने एक कार्रवाई करते हुए इनको नैप किया है। यही इन्फॉर्मेशन आज ये कहाँ से कहाँ अदालत में पेश किया जाए? इसका अलग अलग 2 का तो 8 दिन का रिमांड है, 1 का 6 दिन का जो गैंग की मैं बात करूं, और हर व्यक्ति अलग अलग दिन अरेस्टेड है और टोटल 12 व्यक्ति हैं, हर अलग अलग अरेस्ट है, तो उसकी रिमांड की अवधि जब खत्म होगी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्दर कोई रिमांड की रिक्वायरमेंट है तो वो भी सीख किया जाएगा। किसानों का बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है जिनके चोरी की वारदातें अंजाम हुई हैं, क्या कुछ किसानों से कहना चाहेंगे, किस तरह से वो ध्यान रख सकते हैं कि ये वारदातें थोड़ा कम हो? देखिए जो ये जिस तरह क्राइम होता है, सीजनल क्राइम भी होता है, इनका जो तरीका वारदात है वो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ ताकि किसान थोड़ा सा अवेयर रहें कि ये दिन में रेकी करते हैं और जनरली जो अपना गाड़ियाँ हमने रिकवर करी हैं ये डीएल नंबर गाड़ियाँ हैं, डीएल या यूपी नंबर, नंबर प्लेट ये शायद चेंज भी कर सकते हों। अभी दिन में रेकी करते हैं, वहाँ पर अपनी टूल किट छुपा देते हैं और शाम को रात के टाइम जब सभी वहाँ कोई मतलब किसान वगैरह अपने खेत में नहीं होते तब जाके ये कॉपर चोरी करते हैं, उसका तेल वगैरह खंडा देते हैं और वहाँ से ही पैदल ये जितना भी कॉपर रिसीव होता है, एक रात में 4 या 5 वारदात करते हैं ये, तो जितना कॉपर इनको प्राप्त होता है वो एक लिंक रोड पे लेके आते हैं, वहाँ ये अपनी गाड़ी जो हायर करके लेके आते हैं उस पर उसमें रखे सीधा सीलमपुर या गाजियाबाद जहाँ इनके दूसरे एसोसिएट्स हैं जिनको हम ये बोलते हैं अपना जो कबाड़ी होते हैं इनके स्क्रैप के डीलर्स, उनको बेच देते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। इस तरह की ये वारदात डिस्क्लोज हुई है और बहुत बड़ा गिरोह है करनाल का। अगर मैं बात करूं इन 200 में लगभग 350 के करीब ट्रांसफार्मर्स थेफ्ट इन्हीं मुकदमों में है। तो काफी कामयाबी मिली है सर, किसान काफी परेशान थे, रोजाना फोन आया करते थे कि काफी आज यहां से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, आज वहां से ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, यहां तक कि पहरे तक लगाने लग गए थे। यस, क्राइम होता है पर क्राइम रुकता तभी है जब क्रिमिनल्स पकड़े जाएं, जब इस तरह के अपराधी पकड़े जाएं। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की जो वारदात है उन पर एक नकेल कसी जाएगी। 2 गिरोह जो इसमें हैं वो उनका एसोसिएशन यूपी और गाजियाबाद और दिल्ली से है, एक गिरोह जो है वो लोकल है, वो भी हमने नैप किया है, वो भी पिछले काफ़ी समय से एक्टिव रह के और अपना वारदातों का अंजाम दे रहा था। प्लस ये जब इस तरह का गैंग पकड़ा जाता है तो ही डिस्क्लोज होती है, बिकॉज एक गैंग ही बहुत से एरिया में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसी तरह करता है और फरार हो जाता है,
अब ये अपना कामयाबी इस रेफरेंस में मिली है, तो यही गाड़ी इनके नाम पे गाड़ियां जो हैं पकड़ी गई इनमें कैसे वो रिकॉर्ड का विषय है प्लस तफ्तीश का विषय है। गाड़ियों का टोटल नंबर बता देता हूं मैं, डीएल नंबर गाड़ियां हैं मारुति इको एक ही मार्का की है और 5 गाड़ियां इन 3 गैंग से रिकवर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई और इस रिकवरी फर्दर होगी तो वो भी कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। यस, ये गैंग है, गैंग की इनिशियल जो हमने इनको नैप किया है प्लस कुछ और व्यक्ति जो इन्वॉल्व है उनका भी अभी खुलासा किया जाना बकाया है, इसलिए रिमांड। सर लगता है कि दिल्ली की जो ये गाड़ियां हैं इस तरह की गाड़ियां ना दिल्ली कॉल सेंटर्स पे या मल्टीनेशनल कंपनीज में इस्तेमाल होती हैं, या तो लॉकडाउन के दौरान इनको निकाल दिया गया हो, इन्होंने रास्ता चिन्हित कर लिया हो, या दिन में वो मल्टीनेशनल कंपनीज में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.